आने के बाद ये एक सत्यनारायण व्रत कथा स्थल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, शिवाय नमस्तभ्यम, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए इसके बगल में ही ठीक चक्रतीर्थ, श्री चक्रतीर्थ के दर्शन, ये भूतेश्वरनाथ महादेव मंदिर के दर्शन यहीं बगल से। आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी गुप्त नवरात्र का आज आठवां दिन, ये रास्ता यहाँ से शॉर्टकट सीधे निकल के जाता हुआ सूतगद्दी मंदिर की तरफ आज एक बार फिर से दर्शन करने का सौभाग्य बाबा की हेतु की कृपा और महाकाल की प्रेरणा ने फिर से एक बार मौका दिया। देखे कूड़ा आदि नीचे गिराते हुए, कोई कूड़े के निस्तारण का कोई खास इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से गंदगी लगातार देखिए नाले में फैल रही है। अरे कूड़ा इकट्ठा करके कहीं डालो भैया, ये तो देख ही नहीं रहे लोग यहाँ कुछ भी हैं। अरे हम नहीं परेशान हैं, ये कूड़ा ही एक दिन भैया भर जाएगा तो सब बर्बाद कर देगा हम लोगों को। सबसे बड़ी दिक्कत गुर्दे हुई है और कुछ नहीं है। अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये तो जो लोग डेवलप कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ना कि कूड़ा निस्तारण का वो अलग बना देते, एक प्लांट बना देते तो वहाँ सब कूड़ा चला जाता। सब ये गोमती आदि गंगा, गोमती कहते ना, गंगा जी हैं, मतलब कितनी अपवित्र हो रहे हैं आप लोग खुद ही देख रहे हैं गुरुदेव। हे बाबा शोभाराम सत्संग भवन बंद है, देखिए कूड़ा पड़ा हुआ बिल्कुल सूतगद्दी चल श्री चक्र तीर्थ से सूतगद्दी मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते में कूड़े का निस्तारण का तरीका आप देख सकते हैं। और ये घास और भांग दोनों ही बुरी तरीके से फैली हुई है पूरे एरिया में, अपने आगोश में ले रखा है उसने। देखिए पूरा इस तिराहे, इस चौराहे पे तो और गंदगी है। देखिए सूतगद्दी मंदिर का जो एक और चौराहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये रास्ता इधर सीधे बाहर निकलता हुआ और ये रास्ता गौ माता द्वय। फिर एक बार एक देखा केवल दर्शन, वो दृश्य नहीं जिसमें कि वो दुग्धपान कराते हुए दिखाई पड़े। पौराणिक सूतगद्दी मंदिर, ये यज्ञशाला प्राचीन सी सौनक, बहुत ही अष्टकोणीय यज्ञशालाएँ यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। आठवां बैकुंठ माना जाता है इसको, नैमिस। ये कुछ लिखा हुआ देखिए, सूतगद्दी मंदिर क्या है ये, यहाँ आप लोग इसमें देख सकते हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः स्वनकादयः प्रपच्छुर मुनयः सर्वे सूतम् पौराणिक खलु। यह श्लोक श्री सत्यनारायण कथा का प्रथम श्लोक है। कलयुग के प्रभाव को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्रत के बारे में जानने की इच्छा प्रकट हुई जिसके करने से कलयुग में सभी कामनाओं की प्राप्ति कर मुक्ति को प्राप्त किया जा सके। तब सूत जी ने प्रथम बार सत्यनारायण व्रत कथा कही और सत्यनारायण व्रत पूजा की। ये वही पवित्र स्थल गेस्ट हाउस है, वो 1000 रुपये डबल बेड का नॉन एसी और 1500 रुपये एसी का डबल बेड। पौराणिक श्री सूतगद्दी मंदिर ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ, तीन नंदी भगवान इससे परिवार वाले मंदिर में।
काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रेजिडेंशियल बना हुआ है, देखिए बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। विश्वनाथ पैलेस से भी अच्छा।